नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैक्सान स्टूडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है म्यूजिक बीट मैचिंग पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही EDS को ओपन करके रखा हुआ है और दोस्तों मैं म्यूजिक बीट का जो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, मैं उसी पर बनाऊँगा। क्योंकि दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग पर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का इशू ना जाए। आप सोच रहे हैं कि इनके चैनल पे तो पहले से ही दो चार गाने पड़े हुए हैं, तो हाँ पड़े हैं, उस पर भी कॉपीराइट का इशू आया है, तो उसे भी मैं अभी डिलीट कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल देने के बाद उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा और आगे भी इसी तरीके का मैं उस तरीके का प्रोजेक्ट जब भी नया बनाऊँगा, हालाँकि वो सारे प्रोजेक्ट मेरे नहीं हैं, उसमें से कुछ मेरे हैं और कुछ कंपनियों के हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा और प्रोजेक्ट फाइल जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे, आप लोग देख लोगे, तो मैं उसे डिलीट कर दिया करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल जब भी हम लगाते हैं तो जहाँ पे डेकोरेशन और प्लेस वगैरह का जो रिकॉर्डिंग रहती है, मैं वेडिंग के फुटेज पर आप लोगों को बता रहा हूँ, उनके फुटेज को पहले आप अपने टाइमलाइन पर रख लीजिए और इस तरीके से प्ले हेड को स्क्रब करके आप देख लीजिए। क्योंकि कुछ कैमरामैन होते हैं, जिस चीज़ को पहले खींचना होता है उसे बाद में शूट करते हैं, और जो प्रोफेशनल है वो अपने ढंग से सीरियल बाय सीरियल सभी चीज़ों को शूट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो जितना हमने फुटेज अपने टाइमलाइन पे रखा हुआ है इसको सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, और या तो फिर अपने कीबोर्ड के शिफ्ट ए बटन से आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और एल्टर ई प्रेस करिए। एल्टर ई प्रेस करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा स्पीड ड्यूरेशन कंट्रोल करने के लिए। आप इसको 80% कर दीजिए। 80% करने से फ़ायदा एक रहेगा कि जो भी आपका फुटेज है हल्का फुल्का सेकी रहेगा तो वो मेंटेन हो जाएगा। अब हम इसके नीचे अपना ऑडियो ट्रैक रखते हैं। ये देखिए, ये सॉन्ग है एक लुगाई चाहिए का इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है ये, तो इसे हमें देखना है कि कहाँ कहाँ बीट गिर रही है। जहाँ जहाँ बीट गिर रही है वहाँ वहाँ से फुटेज को हमें कट कर देना है। ये देखिए, तो इसे हम अपने टाइमलाइन को और स्ट्रेच कर लेते हैं। ये देखिए, एक यहाँ गिरा तो यहाँ पे आप वी बटन से मार्क लगाइए। सबसे पहले मार्क लगाते हैं, ये यहाँ गिर रहा है, इसे हम हटा देते हैं, सॉरी कट हो गया। ये जहाँ जहाँ म्यूजिक चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ हम मार्क लगाते चलेंगे। ये ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ म्यूजिक बीट गिर रही है वहाँ वहाँ मार्क हमें लगाते जाना है, कहीं गिरती है तो कहीं उठती है, ठीक है। अभी स्टार्ट है, आपको उतना समझ में नहीं आएगा, जब ये धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं ये मैनुअल तरीके से बना रहा हूँ और बता रहा हूँ आप लोगों को, और इसका ऑटोमेटिक भी एक होता है कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सारा इफेक्ट ऊपर लगा हुआ है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फुटेज का इस्तेमाल नहीं होता है। जो भी होता है EDS का, ये क्या कहते हैं इसको, कलर बार कलर मैट वगैरह से ही करता हूँ मैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल बनाता हूँ। जो ऑटोमेटिक वाला उसको आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और जहाँ जहाँ से इफ़ेक्ट कट रहेगा वहाँ से बस आपको अपने क्लिप को चॉप करना है। चॉप करना मतलब कट करना। इसमें देखिए म्यूजिक, इसमें बीट है, ये जहाँ बीट है वहाँ से कट करना पड़ेगा हमको। चलिए पहले इतना हम
बीट मैच करा लेते हैं जितना हमने भी किया है, क्योंकि आगे का जो म्यूज़िक है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये राज रतन लान लिखा हुआ है, इसे हम कट कर देते हैं और फिर यहाँ से भी कट कर देते हैं। ये दोनों फुटेज एक ही रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए ये क्या है, ये खींच रहा है, और ये जो दोनों म्यूजिक है ये आपको स्लाइड और पॉपअप का इशारा कर रहे हैं। स्लाइड मतलब एक तरफ से इफेक्ट आएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि आपके फुटेज को स्लाइड करके दूसरे तरफ प्रेस करके आपके प्रीव्यू के विंडो से बाहर कर देगा, और जो सेकंड वाला वीडियो है वो आपके प्ले स्क्रीन पे आएगा। और उसके ये हो गया, और जो पॉपअप होता है पीछे से आगे की ओर आएगा। तो इसको पीछे से आगे की ओर लाने के लिए या तो आप इसे देखिए डिजॉल्व लगा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन डिजॉल्व में वो मज़ा नहीं है। तो अब हम इसे पीछे से आगे की ओर लाने के लिए अपने क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और लेआउटर में जाते हैं। लेआउटर में जाने के बाद अपने प्लेहेड को लास्ट में लाते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें पॉपअप करना है, यानी हमारे पीछे से आते हुए क्लिप को प्रीव्यू विंडो पे फुल प्रीव्यू करना है। और यहाँ से एनिमेशन की फ्रेम ऑन करते हैं और यहाँ की फ्रेम लगा देते हैं यहाँ पे अपने प्लेहेड को ले जा करके। उसके बाद अपने इस प्लेहेड को लास्ट में लाएंगे और इसे छोटा कर देंगे। एक तरीका एक ये है कि आप इसे छोटा कर दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि आपको ये 3D ऑन करना पड़ेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं, आप इसे छोटा कर दीजिए। ये देखिए ये फंस के चल रहा है, नहीं मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ तक ही चाहिए। तो इसे हम फिर से इसके लिए आउटर में जाते हैं और इसकी फ्रेम को यहाँ ले आते हैं, और फिर इस लेआउटर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसके ऊपर। ये देखिए ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है इसलिए ये फंस रहा है। जब आप अपने कंप्यूटर पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है इसलिए प्रोसेस धीमा हो रहा है, और ये फुटेज भी थोड़ा हैवी है, NX100 का फुटेज है, और ये हाई क्वालिटी पे बंदे ने शूट कर दिया है, इस कारण से ये फंस रहा है, या फिर हो इस कारण से फंस रहा है कि शायद इसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड जॉब चल रहा हो, यानी कि ये अपनी सिप फाइल जनरेट कर रहा है, हो सकता है इस वजह से ये फंस रहा हो। ये सभी फाइल के लिए सिप फाइल और वेब फाइल, वेब यानी ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए सिंक फाइल बनाता है, ताकि वो आपके हार्ड डिस्क में पड़े फुटेज और आपके सॉफ्टवेयर के संपर्क में बना रहे और वो प्रीव्यू को आसानी से दिखा सके। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है कि ये ओपनिंग इफेक्ट है। तो अब ये ओपनिंग इफेक्ट आप इसे ओपनिंग में लगा दीजिए, या फिर ऐसा लगाइए कि जो कैमरे का फुटेज वाइड बंदा वाइड कर रहा हो, यानी कि जूम को वापस ले रहा हो। कैमरे में जो जूम बटन होते हैं उसे टैली और वाइड कहते हैं। जब आप उसे टैली करेंगे तो आपका जो स्क्रीन पे फुटेज दिख रहा है वो जूम होगा, और जब वाइड करेंगे तो आपका जो एक्चुअल साइज होता है फुटेज का वो जूम आउट होगा, उसी को टैली वाइड कहते हैं। तो ये देखिए ये सीन क्या है, ये वाइड हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तो हमें और दूर से चाहिए ताकि ये पूरा दिख सके, ये पूरा देख सके कि है क्या लॉन है, या फिर कोई ऐसे ही प्लेस वगैरह का शूट किया गया, तो हमें पूरा लॉन दिखाना है। हमें यहाँ से अब कट कर देना है, ठीक है, और यहाँ से कट कर देते हैं। और ये अब इस फुटेज का कोई हमें ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आगे के समय में इस फुटेज का ज़रूरत पड़े आगे, तो इसे हम अपने स्टॉक में रख लेते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब फिर से वही इफेक्ट है,
मेरे ख्याल से ये वाली जो शॉट है ये पहले होनी चाहिए। और डिलीट कर देते हैं इसे, और इस शॉट पे हम इसके लेआउटर में जो हमने की फ्रेम की है इसे लगा के इसे शुरू में रख देते हैं। और इसके ये देखिए इसे डिलीट कर देते हैं। अब इसमें भी देखिए वही बीट है, बस ध्यान रखिए कि आपको बीट चेंज नहीं करना है, क्योंकि एक बीट एक सीक्वेंस का में कई सारे बीट होते हैं, तो जब एक साथ एक सीक्वेंस में एक साथ कई सारे बीट हो तो एक ही तरीके का इफेक्ट बनाना चाहिए। अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो देखने वाले को लगेगा कि यार क्या बना हुआ है, कभी इधर से आ रहा है कभी उधर से आ रहा है। आपने बहुत सारे गाने को देखा होगा एक टाइप का जो इफेक्ट होता है बीट्स होता है उसको जिस समय बनाते हैं तो सारे बीट को उसी के जैसा इफेक्ट बनाते हैं वो लोग प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं। अब देखिए ये ऊपर से नीचे आ रही है तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ ये पहले ही हमें यहाँ से चाहिए ये, तो इसमें हमें करना क्या है कि इस वाले क्लिप को यहाँ कर देना है और स्ट्रेच कर देना है। अब इसमें फिर वैसा ही इफ़ेक्ट चाहिए, तो अभी ये क्या है अंदर का है और फिर ये है। अब ये हम बिल्डिंग के अंदर चले गए हैं जो लाज है, तो फिर यहाँ पे फिर वही म्यूजिक बजी है, फिर वही इफेक्ट हम देते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसके लिए आउटर को इसमें ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। अब इसके इस वाले सीन को लेते हैं, ये ध्यान रखिए कि सीन हमेशा चेंज होता रहना चाहिए तभी अच्छा लगेगा देखने में। अभी ये क्या है कि यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको, जैसे कि आप लेआउटर में जाइए और यहाँ पे की फ्रेम लगा दीजिए और इसके शुरू में आइए और इसके टॉप और बॉटम को क्रॉप कर दीजिए, टॉप और बॉटम को 40% टॉप और 40% बॉटम को आप क्रॉप कर देंगे तो ये भी एक इफेक्ट ही बन जाएगा, ये भी अच्छा लग रहा है। जब आपको बढ़िया से अगर वाइड फुटेज नहीं मिल रहा है, वाइड होते हुए नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरीके से इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसे कट कर दीजिए। अब क्या है इसमें ये देखिए बीट्स है, यहाँ पे आप मैट लगाइए, यहाँ से कट करिए इसे मैट जैसा करिए। इसको मैट जैसा करने के लिए आपको कई सारे लेयर बनाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं इसके लेआउटर को और इसे पहले आप सुन लीजिए कि कितने बीट्स हैं। लगभग 4, 1, 2, 3, 4, 5 तो है इसमें। आप क्या करेंगे, 5 है आपके पास, अगर मैट है तो उस तरीके का मैट लगा लीजिए, नहीं तो मैं आपको मैनुअल बता ही रहा हूँ, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें कोई की फ्रेम वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बस आपको अपने इस एंकर पॉइंट को यहाँ लाना है और अपने फुटेज के पोजीशन को यहाँ रखना है। जब ये फिट हो जाए तो आपको लेफ्ट से क्रॉप करना है, सॉरी राइट से क्रॉप करना है, ये आप राइट से इसे क्रॉप कर दीजिए इस तरीके से, और फिर इसे कॉपी करिए। और कॉपी करने के लिए
आप कंट्रोल बटन दबा करके माउस के राइट क्लिक को प्रेस करके जब ऊपर की ओर माउस को अपने खिसकाएंगे तो ओवरराइड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए और ये ओवरराइड हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, अब आपको इस फुटेज को यहाँ तक लाना है, यानी इसके क्रॉप सेक्शन को कम करना है। यहाँ से आप ट्रैक ऐड करा लीजिए, बी ट्रैक एबव समथिंग 5, फिर से इसे उसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी करिए, यानी डुप्लीकेट बनाइए और इस बार यहाँ तक लाइए और फिर से इसे प्रेस करके उसी तरीके से कॉपी प्रेस करिए और इसे यहाँ तक लाइए। फिर उसके बाद आपको तब तक करना है जब तक कि आप कुछ 4 से 5 स्टेप तक बीट को सुन करके करना है। मैं उतना डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि कम समय में आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल भी बनाना है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। अगर ज़्यादा घंटे भर का हो जाएगा तो उबाऊ लगने लगेगा, क्योंकि बीट मैचिंग का जो ट्यूटोरियल है बड़ा लंबा होता है। तो हम इसे पूरा फील कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमें देखना ये है कि कहाँ कहाँ ये गिर रही है बीट को, इसे सुनिए। इसे आप और फुटेज को अलग कर दीजिए। चलिए प्रोजेक्ट सेटिंग देखें, ठीक तो है, रिजोल्यूशन कम है। मैं रिजोल्यूशन कम करके एडिट करता हूँ, फिर जब एक्सपोर्ट करना होता है तो रिजोल्यूशन बढ़ा करके 1080p में एक्सपोर्ट करता हूँ। इस पर मैंने ट्यूटोरियल भी बना रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये जहाँ भी बीट गिर रही है या फिर बीट चेंज हो रही है आप वहाँ से कट कर दीजिए क्लिप को, ये देखिए। इसी तरीके से आपको दूसरे फुटेज को यहाँ ला के रखना है और यहाँ से कट कर देना है। मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ, परफेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि परफेक्ट बनाने में बड़ा लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा, इसलिए मैं रफली बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, इस तरीके से आप सीख जाएंगे। हालांकि ये बीट मैचिंग का ट्यूटोरियल सबसे अच्छा प्रीमायर पे बन पाता है क्योंकि उसमें इतने लफड़े नहीं होते, उसमें फंसता वगैरह नहीं, अच्छे से प्ले होता है। बस उसमें प्रॉब्लम एक है कि उसमें फुटेज रेंडर कराने में काफ़ी वक्त लगता है, इसीलिए बहुत लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और उसमें कोई खास इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, एडिटिंग के मामले में प्रीमायर बेस्ट है, PDF से बेस्ट है एडिटिंग के मामले में। ये देखिए हो गया। अब जब आप इसे देखेंगे तो ये अच्छा लगेगा। अब ये फंस रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए शायद काम करते करते, हालांकि इसे रेंडर भी कराते हैं तो रेंडर कराऊंगा तो फिर समय लगेगा है, तो इसलिए फिर से वही टोन आ गई। देखिए इस बार क्या करना है, अब देखिए इतने गैपिंग के बाद फिर से वही टोन आ रही है, तो इस बार क्या करना है, अभी तो आपने पॉप अप किया था अपने क्लिप को, अब पॉप आउट करना है। पॉप आउट करना मतलब एक तरह समझिए कि जूम करना है। यहाँ से कट करिए, हालांकि ये तो खत्म हो गई क्लिप यहाँ से। अब क्या करना है कि क्लिप पे इफेक्ट हो गई, अब इसे हटाना है। और ये क्लिप भी बहुत लंबा शूट कर दिया है बंदे ने, इसमें कोई खास फुटेज नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा क्लिप लगाते हैं। चलिए अब ये लगाते हैं हम गणेश जी को, इन्होंने क्या शूट किया है। इन लोगों का आदत है कि जब तक कैमरा स्टैंड नहीं हो जाएगा तब तक वो जूम आउट नहीं करेंगे, जबकि कैमरा चलाते वक्त जब आप जूम आउट करते हैं, जब आपका क्लिप जूम आउट होने लगता है उसी समय प्ले बटन दबाइए तो बड़ा खूबसूरत रिकॉर्ड होता है। मैं कई बार इन लोगों को कहता हूँ लेकिन फिर भी ये लोग माने तब ना। चलिए खैर, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है काम करने की।
ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या दिखाना चाह रहे हैं। खैर इसे हम यहाँ से कट करके अलग कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ से कट कर देते हैं। अब इसमें हम इफ़ेक्ट चेंज करते हैं, ये देखिए शुरू से जब थोड़ी देर बाद जब मैंने प्ले किया तो मैच हो गया। मैच तो हालांकि मैच तो पहले भी था, बस वो प्ले नहीं हो पा रहा था। अब इसमें फिर से ये फंसने लगा। खैर कोई बात नहीं, आप जब इस तरीके से काम करेंगे, आप जब अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या है कि इसे अब इसमें उस टाइप का फुटेज है नहीं, जूम आउट का और जूम इन का फुटेज है नहीं। तो इसे करते क्या है कि अभी इसके पहले हमने ये किया था कि अपने फुटेज को छोटा करके और फिर बड़ा किया था, इस बार हम क्या करेंगे कि बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे और यहाँ लास्ट में आएंगे और इसे छोटा कर देंगे। बस इसी तरीके की चेंजेस करते रहिए और बीट मैच के जैसा लगने लगेगा। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लोगों ने बस हवा बना रखा है कि बीट मैचिंग है। ये क्लिप झटके से गायब हो जा रही है, इसलिए इसी क्लिप को दो बार लगा देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर इसे स्ट्रेच करके यहाँ तक फिल कर देते हैं। अब इसमें देखना है कि इसमें जूम आउट है कि नहीं है। अभी तो मैं इसे झटके से प्ले कर रहा हूँ तो पता चल रहा है। हम इसे यहाँ पे रखते हैं और इसे क्रॉप करके यहाँ पे लगा देते हैं। ये बहुत धीमे से जा रहा था, इसमें करना क्या है कि इसकी स्पीड को 150% कर देना है। हुआ नहीं, चूँकि हमने शुरू में पूरे क्लिप को सेलेक्ट करके 80% किया हुआ था। अब क्या है कि जब आप एक क्लिप को छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो आपको ये चेंज द क्लिप ड्यूरेशन ऑन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 150 यानी 150% स्पीड बढ़ा दीजिए। ये देखिए और यहाँ से कट करिए। आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी क्लिप ज़्यादा ना हो, छोटे छोटे हो और ड्यूरेशन अच्छे से हो, और म्यूजिक भी उसी तरीके का आप सेलेक्ट करिए जो लोगों को पसंद आए। और कुछ लोग के पास कंप्लेन भी आते हैं कि यार ये कौन सा गाना लगा के दे दिया है, तो आप जब मिक्सिंग करने एडिटिंग करने बैठते हो तो आप सीन सिचुएशन को देख करके समझिए। वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, उनके जो गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको आप समझिए कि इनको किस टाइप का गाना चाहिए। हालांकि इतना करने के बाद भी कंप्लेन आ ही जाता है एक आध दो कैसेट से, क्या करेंगे काम ही ऐसा है। अब इसमें फिर से वही इफेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अभी हमने ये लगाया, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ अलग टाइप का इफेक्ट आपको बता करके दिखाते हैं। फुटेज को ये ज़्यादा सेफी है पर कुछ है नहीं, स्टिल भी है। इसे हम यहाँ से क्रॉप करके और इसके स्पीड को और कम कर देते हैं, यानी 30 कर देते हैं। इसको 30 कर दिया हमने। से कट कर दीजिए। अब ये कट हो गई, देखिए अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे कट लगाइए। चूंकि ये जो बीट है बहुत जल्दी से चला जा रहा है, तो आप इसी को
इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये एक सीक्वेंस का बीट है। अब इसमें क्या है कि अभी तो ये देखिए अपने आप ही मैच हो गया यहाँ पे, क्योंकि लाइट वाला सीन मिल गया हमें, ये चल जाएगा। ये चल जाएगा। अब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ से कट करते हैं। अब इसमें हमें एक इफेक्ट चाहिए जो आपके इफेक्ट पैनल में होता है, आप 2D में जाइए और ये सर्किल लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। आप एक बार लगा के चेक कर सकते हैं, सर्किल भी है बॉक्स भी है, ये देखिए ये रुक के इसलिए आ रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन है और प्ले होने में फंस रही है, और फुटेज भी काफ़ी हाई क्वालिटी का शूट कर दिया है बंदे ने। चलिए एक बार हम अपना शुरू से प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा बना है। अभी तक देखिए इतना समय हो गया और हमने सिर्फ 7 सेकंड का बनाया है। चलिए से कट करते हैं। अब इसमें ध्यान से सुनिए कि एक हल्की सी पॉपअप की बीट आ रही है यहाँ से। आप अपने इस फुटेज को यहाँ पे लाइए और यहाँ से कट कर दीजिए, और इसमें हम इफेक्ट बनाते हैं जैसा कि अभी पहले हमने बनाया था यहाँ पे, सॉरी लास्ट में हम की फ्रेम लगाते हैं और इधर आते हैं और इसके लेफ्ट को 40% क्रॉप करेंगे और राइट को भी 40% क्रॉप कर देंगे। यहाँ से फिर बीट चेंज हो रही है, म्यूजिक चेंज हो रही है जैसा कि ये है। अब यहाँ पे हम फुटेज दूसरा लगाएंगे, यहाँ से लगाते हैं। इसमें आप चाहे तो म्यूजिक सॉरी यहाँ पे आप चाहे तो इफेक्ट लगाएं या नहीं भी लगाएंगे तब भी ये चल जाएगा, क्योंकि ये जूम आउट का क्लिप है। तो चलिए हम इसके स्पीड को बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं, ये अपने से ही खूबसूरत हो जाएगी। और यहाँ से कट कर देते हैं। अब यहाँ से फिर एक देखिए बीट मिल रही है हमें, यहाँ से फिर एक बीट मिल रही है। और यहाँ से कट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो बीट मिल रही है इसमें करना क्या है कि इसमें आप मास्क लगा दीजिए। आप हमेशा अपने इफेक्ट को चेंज करते रहिए तभी ये खूबसूरती से बन पाएगा। इसमें हम मास्क लगाते हैं ये, और इस यहाँ से इसके लॉक को हटाते हैं और इसके वाई पोजीशन को 500 कर देते हैं और इसे यहाँ से ऐसे रोटेट कर देते हैं, इसे बीच में लाते हैं और यहाँ से आउटसाइड अपासिटी कम कर देते हैं, और यहाँ पे हम की फ्रेम लगाते हैं, लास्ट में जाते हैं और उसके बाद इसे यूँ स्ट्रेच कर देंगे।
देखिए ये भी एक इफेक्ट बन गई। अब इसमें क्या है कि इसे आप पहले इस सीन को लगाइए, इसे आप शुरू में रख लीजिए। यहाँ से कट कर दीजिए क्योंकि यहाँ से फिर वही बीट रिपीट हो रही है। यहाँ से कट इसलिए किया हुआ है कि फिर से वही बीट रिपीट हो रही है। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपने ये जो इफ़ेक्ट लगाया है आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको लगाने के बाद आप इसमें इसके सर्किल में कलर लगा दीजिए, वाइट लगा दीजिए, चूँकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो वाइट परफेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से कलर मैट लेते हैं, रेड ले लेते हैं और येलो ले लेते हैं पिंक ले लेते हैं और मेरे ख्याल से ग्रीन ले लेते हैं, ब्लू भी ले लेते हैं शायद आगे चल के काम आ जाए तो हम ब्लू भी ले लेते हैं। अब इसे करना क्या है कि येलो वाले को आप यहाँ रखिए, देखिए इसकी ऑडियो भी आ जा रही है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए और यहाँ से ऑडियो का ऑप्शन बंद कर दीजिए, आपका ऑडियो नहीं आएगा। कट कर दीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए और फिर आप इसके ऊपर ये पिंक रखिए, सॉरी मेरे ख्याल से रेड होना चाहिए क्योंकि येलो के बाद रेड ही अच्छा लगता है। आप इस तरीके से इस पर डेकोरेट कर दीजिए सारे क्लिप्स को। फिर इसे आप यूँ रिपीट कर दीजिए और इन सभी में आप ब्लेंड मोड में जाइए, ब्लेंड मोड में जाने के बाद आप स्क्रीन कर दीजिए। सभी को एक साथ इसे आप यहाँ से कॉपी भी करके इनके ट्रांजिशन ट्रैक को सेलेक्ट करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ये सभी में लग जाएंगे। ये देखिए लग गए, अब आप इसे प्ले करिए, ये देखिए बन गया खूबसूरत सा इफेक्ट। फिर से वही सीन आ रही है, अभी क्या है कि हमने नजदीक से दिखाया, अब हम यहाँ पे ये पहले नज़दीक का दिखाया फिर हम दूर का सीन दिखाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कट करते हैं और इस क्लिप को यहाँ लाते हैं। इफेक्ट सेम वही रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, बस इसे एल्टर बटन प्रेस करके माउस के राइट क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करेंगे, फिर ऑप्शन आएगा ओवर राइट के लिए, आप ओवर राइट कर देंगे कॉपी पेस्ट इसे और स्टार्ट में लाइए। ये देखिए ये यहीं तक है तो हम इसे छोटा कर देते हैं और इसे कट कर देते हैं। अब ये देखिए ये बीट दे रहा है, ये बीट दे रहा है, तो बीट दे रहा है, बीट को समझिए। इसमें करना क्या है कि आपका क्लिप आप पॉप आउट करके लगा दीजिए और या तो फिर किसी और तरीके का भी बना सकते हैं, हालांकि मैं आपको पॉप आउट करके ही दिखाऊंगा। आप अपने क्रिएटिविटी से इसे चेंज करके भी लगा सकते हैं, आप सिर्फ इस पर लाइट इफेक्ट भी डाल देंगे तब भी चलेगा। चलिए हम पॉप आउट करते हैं,
सॉरी पॉप इन करते हैं, पॉप आउट नहीं पॉप इन करेंगे, यानी कि पॉप। अभी तो हमने ये लिया है, अब यहाँ से लेते हैं, और यहाँ से कट कर दीजिए। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने फुटेज को जहाँ जहाँ बीट गिर गई आप वहाँ वहाँ इसे चॉप कर दीजिए, जहाँ जहाँ बीट गिर रहे हैं आप उसे चॉप कर दीजिए। ये चार बार ही गिर रही है, मैंने ज़्यादा कट कर दिया, एक तो यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ। अब इसमें करना क्या है कि इस फुटेज को पकड़ करके, सॉरी इसके लिए आउटर में जा करके इसे थोड़ा सा छोटा कर देना है, और इस लेआउटर के इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर से इस लेआउटर में जाना है और इसे फिर छोटा करना है, फिर उसी तरीके से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फिर इसे छोटा करना है, फिर उसी तरीके से आप इसमें जाइए और इसे और छोटा कर दीजिए। अब आप प्ले करके देखिए, अभी क्या है कि ये देखिए ये जो धम से आवाज आई वो तो फुटेज आपका अपने स्थान पे ही आ गई, ये एक अच्छा इफेक्ट बन गया। आप इसमें बीटा सीन वगैरह भी प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि मैं एडिटिंग के दौरान बीटा सीन का इफेक्ट बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि रेंडर कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बीटा सीन बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो 5-7 मिनट का होता है, इसलिए उसमें इस्तेमाल करता हूँ मैं बीटा सीन का। चलिए एक बार इसे हम प्ले करके देखते हैं। देखिए लग रहा है कि मैच ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये फंस रहा है, प्ले नहीं ले पा रहा है कायदे से। अभी देखिए यहाँ से प्ले किया तो ठीक से आ गया, ये इतना इफेक्ट हो रहा है इसलिए फंस रहा है। आप जब इस पे काम करेंगे तो आपके लिए ये, आप जब इस तरीके से इफेक्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरे गाने को तो एडिट करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया, अगर पूरा गाना एडिट करने बैठ जाऊंगा तो इस तरीके से बीट मैचिंग, हालांकि मैं जब अपने लिए बीट मैचिंग का इस्तेमाल करता हूं तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ही इस्तेमाल करता हूं, उस तरीके से मेरे सारे इफेक्ट ऊपर होते हैं। मुझे क्या करना होता है, मुझे करना क्या होता है कि बस जगह जगह से काट कट कट करके, जगह जगह कट कर करके फुटेज को चेंज करना रहता है, बाकी सारा चीज़ ऑटोमेटिक है। तो उसको कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं अगले ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊँगा कि ऑटोमेटिक बीट मैचिंग कैसे बनाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और जिनको अच्छा लगा उनको वो कमेंट करें, और जिनको नहीं अच्छा लगा वो भी कमेंट करें, और उन लोगों से मैं प्लीज़ निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से क्या होता है दोस्तों कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।